Students, now come to the page number 8, unit number 1, check up. A part है vocabulary, use the words to complete the sentences. हमारे पास कुछ words हैं, vocabulary words, इनको use करते हुए हमने sentences को complete करना है. देखते हैं अपने first sentence को, dash in the zoo get their food from the dash. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हमारे पास जो ऊपर words हैं उनमें देखें, यहाँ पर लगेगा animals. In the zoo, get their food from the zookeeper. Second क्या है? One of the dash animals in the zoo is the dash. One of the biggest animals in the zoo is the elephant. The dash are the animals that are most like dash. तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? The dash monkeys. और मोस्ट लाइक चिल्ड्रन. ऐसे ही आपने जो बाकी सेंटेंसेस है इनको पढ़ना है और अच्छे से इनके जो रिलेटेड वर्ड्स होंगे लगा के उनको कंप्लीट कर लेना है. बी पार्ट है कंप्रीहेंशन ट्रू और फॉल्स. ये जो हमारे पास सेंटेंसेस है ये कंप्रीहेंशन से लिए गए हैं. आपने स्टोरी को रीड किया है, अब आपने देखना है इसकी ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स कौन सी है. उसको देखते हुए हम ट्रू या फॉल्स लगाएंगे. ठीक है, फर्स्ट है डिंगल इज अ डॉल्फिन. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस. सेकंड क्या है? डॉल्फिन्स आर नॉट फ्रेंडली. तो ये क्या है? क्रॉस. द डिंगल डॉल्फिन इज फंगी. तो क्या आएगा? टिक. पीपल स्विम विद फंगी. तो क्या है? ट्रू. इसी तरह आपने बाकी सेंटेंसेस को रीड करना है और ट्रू और फॉल्स का यूज करना है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 1, चेकअप. पार्ट सी ग्रामर क्लूज प्रोसीजर राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी. इसमें हमने क्या करना है? स्टोरी को कंप्लीट करना है कुछ वर्ड्स लगाकर. कार्ली वॉज नो ऑर्डिनरी डैश. She was a friendly ghost. तो क्या आएगा? कार्ले was no ordinary ghost. She was a friendly ghost. She dashed to frighten people, but it was no use. She loved to frighten people, but it was no use. Nobody dash afraid. Nobody was afraid of Carly. Her face was dash friendly. Her face was very friendly. When Dash saw her, they smiled. When people saw her, they smiled. She gave up trying to be Dash. She gave up trying to be naughty. She played Dash children with children and helped them with Dash homework with their homework. Other ghosts laughed at her, but she, Dash, did not care. She had lots of dash friends. ठीक है, आपने इसको इसी तरह कंप्लीट कर लेना है. पार्ट डी है डिक्टेशन. अ पैसेज विल बी रीड अलाउड राइट द टेक्स्ट एक्यूरेटली. यहाँ पर आपने जो आपने स्टोरी पीछे पढ़ी है रीड की है उसमें से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और उसकी डिक्टेशन लिखनी है मम्मा की हेल्प से. ठीक है, उसके बाद है ई पार्ट स्पेलिंग. 10 वर्ड्स विल बी रीड अलाउड लिसन एंड राइट देम करेक्टली. यहाँ पर आपने कोई से 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और ये भी पार्ट आपने मम्मा की हेल्प से सॉल्व करना है. थैंक यू.